जय श्री कृष्णा। मैं विनोद चौधरी, वीकेसी मैथ सॉल्यूशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम क्लास टेंथ की एक्सरसाइज सेकंड पढ़ेंगे, रियल नंबर वास्तविक संख्याएं। तो ये एक्सरसाइज बोर्ड एग्जाम के अंदर 3 मार्क्स के 3 नंबर की है ये। इनमें से जो अंक विभाजन है वो 1+2 में है, यानी एक क्वेश्चन तो 1 नंबर का आएगा और एक क्वेश्चन है वो 2 नंबर का आएगा 12वां क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन आएगा वो 1 नंबर का 3रा क्वेश्चन होगा। तो इस एक्सरसाइज में बिल्कुल ही सिंपल मेथड है। इस एक्सरसाइज के अंदर एलसीएम निकालना, एचसीएम निकालना, फैक्टर करना, तो ये आपने जो पहले की क्लासों में पढ़ चुके हैं तो उन्हीं का यूज करते हुए अपने इस एक्सरसाइज को करेंगे। तो इनमें से रिलेटेड आपने 9th में भी पढ़ा हुआ है, तो 9th के अंदर रेशनल इरेशनल वाली एक्सरसाइज थी, उससे रिलेटेड भी इसके अंदर क्वेश्चन है। 2.4 एक्सरसाइज के अंदर रेशनल नंबर बताने हैं आपको कि कौन से टर्मिनेटिंग है और कौन से नॉन टर्मिनेटिंग है। तो यहाँ से इस साल 2 नंबर का क्वेश्चन बना था, लेकिन वो वेटेज तो 1 नंबर का ही है उस क्वेश्चन का, लेकिन बोर्ड एग्जाम के अंदर इस साल जो क्वेश्चन आया था वो 2 नंबर का आया था। पीछे के जो एग्जाम में क्वेश्चन आए थे वो उस एक्सरसाइज से 1 नंबर के क्वेश्चन आते थे। तो ये एक्सरसाइज बिल्कुल ही सिंपल है और इसे रिलेटेड आप 50% तो पीछे की क्लासों में पढ़ चुके हो। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर। इसमें अपन शुरू करने से पहले इसका जो कॉन्सेप्ट है कि इसमें क्या क्या चीज़ दी गई है, तो नंबर सिस्टम के बारे में अपन सबसे पहले पढ़ेंगे। इवन है, ओड है, नेचुरल है, होल नंबर है, सब इनके बारे में अपन थोड़ा अध्ययन करेंगे। उसके बाद रेशनल इरेशनल नंबर इसके अंदर है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम इसमें अपन पढ़ेंगे, एलसीएम एचसीएम निकालेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड करेंगे, प्राइम फैक्टर मेथड करेंगे और पूरी एक्सरसाइज है वो डिटेल से पढ़ेंगे। तो अभी अपन सबसे पहले थोड़ा सा जो नंबर सिस्टम है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो जैसे प्रकृति के अंदर इंसान आया तो उसने चीज़ों को काउंटिंग करना शुरू कर दिया, अभी किस चीज़ को देखा कि 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो इस तरह से जो संख्याएं क्रिएट हुई तो वहाँ से नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं, और प्राकृतिक संख्याएं वो 1 से शुरू होती है, 1 से लेकर के अनंत तक की जो संख्याएं होती है वो प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर होती है। 1 से लेकर आगे इन्फिनिटी तक जो भी नंबर है वो नेचुरल नंबर। उसके बाद जैसे आपको किसी भी संख्या को लिखना हो तो उसमें 1 अंक की कमी रह गई 0 की, तो जैसे 0 आया तो नंबर है वो पूर्ण हो गए, तो काउंटिंग है वो पूरी हो गई, तो उनको नाम दे दिया गया होल नंबर, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या है वो जो नेचुरल नंबर है उसमें अगर आप 0 को ऐड कर लेते हो तो वो होल नंबर पूर्ण संख्या बन जाती है। तो होल नंबर है वो कहाँ से शुरू होते हैं, 0 से शुरू होते हैं। अब उसके बाद जो होल नंबर थे उनमें से कुछ है वो 2 से डिविजिबल थे और कुछ 2 से डिविजिबल नहीं थे, तो उन नंबरों के आधार पर उनको ऑब्जर्वेशन करके कैटेगराइज कर दिया गया कि जो संख्याएं 2 से विभाजित है, जिन संख्याओं में 2 का भाग पूरा जाता है, उन संख्याओं को इवन नंबर नाम दे दिया गया, सम संख्याएं। तो सम संख्याएं है वो 2, 4, 6, 8, 10, 12, तो इस तरह से आगे जो 2 से डिविजिबल नंबर है, जो से 2 से विभाजित संख्याएं हैं उनको नाम दे दिया गया सम संख्याएं, इवन नंबर। और जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं है, 2 से डिविजिबल नहीं है, तो उनको नाम दे दिया गया ओड नंबर। तो ओड नंबर होते हैं वो 1, 3, 5, 7, 9, 11, तो ये ओड नंबर है। इवन और ओड के अंदर 2 का डिफरेंस रहता है, जैसे कोई भी ओड नंबर में आप 2 ऐड करोगे तो ओड नंबर आएगा, और कोई ओड नंबर में अगर आप 1 ऐड करोगे तो वो इवन नंबर आएगा। फॉर एग्जांपल जैसे 2 इवन नंबर है, अगर आप इसमें 2 ही ऐड करोगे तो आपको इवन ही मिलेगा, अगर आप इवन नंबर में 1 ऐड कर देते हो तो 3 मिलेगा जो कि ओड नंबर है। और कोई भी ओड नंबर में जैसे 5 है, आप उसमें 2 ऐड करोगे तो आपको ओड ही मिलेगा, और अगर इसमें आपने 1 ऐड कर दिया तो आपको इवन नंबर, सम संख्या मिलेगी। तो सम और विषम संख्याओं
में जो डिफरेंस चलता रहता है, सम संख्याओं में भी दो दो का डिफरेंस चलता है, विषम संख्याओं में भी दो दो का डिफरेंस रहता है। अगर आप उसमें एक जोड़ दो तो सम संख्या होगी तो वो विषम बन जाएगी, और विषम संख्या में एक जोड़ दो तो वो सम संख्या बन जाएगी। तो इस तरह से भी अपने एक 2.1 एक्सरसाइज के अंदर इन चीज़ों को अपन यूज करेंगे। अब उसके बाद जैसे आपके पास दो रुपये आ गए तो उसको आप कैसे लिखोगे, आपके पास दो रुपये कम हो गए तो उसको आप जैसे कैसे लिखोगे, जैसे आपके पास दो रुपये कम हो रहे हैं या दो रुपये ज़्यादा हो रहे हैं, तो इनको प्रदर्शित करने के लिए सिंबल का यूज होने लगा। वो सिंबल प्लस और ये माइनस वाले जो सिंबल है, तो इनके द्वारा इनको प्रदर्शित किया जाने लगा। अब प्लस वाले जो सिंबल है तो उसके अकॉर्डिंग तो ये नेचुरल नंबर बन चुके हैं, 1, 2, 3, 4, 5 ये सारे पॉजिटिव ही है। अब इनके आगे अगर आप माइनस वाले साइन लगा देते हो तो ये -1, -2, -3, -4 इस तरह से नंबर बढ़ जाते हैं। तो जो नेगेटिव नंबर है ये -1, -2, -3, -4 आगे इन्फिनिटी तक, तो इनको नाम दिया गया नेगेटिव इंटीजर्स, ऋणात्मक पूर्णांक। और जो आप 1, 2, 3, 4, 5 जो नेचुरल नंबर पढ़ रहे थे इनको नाम दे दिया गया पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर्स धनात्मक पूर्णांक नाम दे दिया गया इनको। तो इस तरह से इनको डिवाइड कर दिया गया धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक के अंदर। जीरो है वो न्यूट्रल है, न ये धनात्मक और न ये ऋणात्मक है। अब उसके बाद कुछ अंक ऐसे थे कि जो नंबर खुद से या वन से, या तो खुद जो संख्या है उसी से या एक से विभाजित हो रहा है, डिविजिबल हो रहा है, उस नंबर को कैटेगराइज कर दिया गया प्राइम नंबर के अंदर, अभाज्य संख्या के अंदर। इसका सबसे बड़ा रोल रहेगा अपनी सेकंड एक्सरसाइज के अंदर, क्योंकि फैक्टर करोगे तो अपने पास ये नंबर यूज होंगे, अभाज्य संख्याएं। आगे आप एक्सरसाइज प्रोबेबिलिटी प्रायिकता वाली करोगे तो उसमें भी अभाज्य संख्याओं से संबंधित क्वेश्चन होंगे, तो आपको अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर ध्यान होना चाहिए। तो प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, कि जो संख्या या तो खुद से या एक से विभाजित हो, या तो वो खुद की टेबल से डिविजिबल हो या वो वन से डिविजिबल हो, तो उसको अपन प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे प्राइम नंबर है वो 2 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, उसके बाद में 23, 29, 31, 37, ये क्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्याएं हैं। और जो नंबर खुद के अलावा किसी और के टेबल में आते हैं उनको भाज्य संख्या नाम दे दिया गया, यानी जो संख्याएं अभाज्य नहीं है वो भाज्य संख्याएं हैं। तो कंपोजिट नंबर है वो 4 से स्टार्ट होते हैं, सबसे पहले वाला जो कंपोजिट नंबर है वो कौन सा है, 4 है। 4 है, ये 1 की टेबल में भी आता है, 2 में भी आता है, और खुद 4 की टेबल में भी आता है ये। उसके बाद जैसे 6 है तो 6 है वो 2 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में भी आता है। 8 है तो ये 2 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है। 9 है तो ये 1 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है। तो जो नंबर खुद के अलावा और 1 के अलावा किसी और की टेबल से डिवाइड हो उसे कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्याएं कहते हैं, या इसको संयुक्त संख्याएं भी कहा जाता है। तो प्राइम नंबर इनका बहुत ज़्यादा यूज होगा, तो ये प्राइम नंबर आपको कम से कम 50 तक याद होने चाहिए कि कौन कौन से प्राइम नंबर है। अब कई बच्चे जो ओड नंबर है, क्योंकि ओड नंबर में ये 3, 5, 7 ये कंटिन्यू आता है, तो ओड नंबर में और प्राइम नंबर में कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो प्राइम नंबर की बात आती है तो वो 1, 3, 5, 7 ये बोल देते हैं भी ये प्राइम नंबर है, जबकि प्राइम नंबर है वो हमेशा 2 से स्टार्ट होते हैं। तो प्राइम नंबर है वो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, उसके बाद 29, 31, 37, 41, जो किसी और की टेबल में नहीं आते हैं, ये सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं, इनको प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं कहा जाता है। अब जब और आगे इनको कैटेगराइज किया गया तो रेशनल, इरेशनल, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, इनमें इनको कैटेगराइज किया गया। तो जो रेशनल नंबर होते हैं ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ, 8th में भी है रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं, कि जिनको आप पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सको,
जहां पे क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी हर का मान कभी भी जीरो नहीं होगा। अगर आप कोई संख्या को लिखते हो तो जीरो अपॉन फोर लिख सकते हो, ये सही है। फोर अपॉन जीरो लिखोगे तो ये गलत होगा, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, अनंत मान आएगा इसका। तो जो संख्याएं पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सको, जिसको आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सको। अब आप ये ट्रिक याद रखना, जो कि अपने 2.4 एक्सरसाइज में भी यूज होगी ये चीजें। ये एक नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि कौन सी टर्मिनेटिंग है, कौन सी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। जो इस साल बोर्ड एग्जाम में दो नंबर का क्वेश्चन आया था वो इसी टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग से आया था। दो नंबर का बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। तो रेशनल नंबर में आपको इतना ध्यान रखना है कि कौन से रेशनल नंबर होते हैं। एक तो वो रेशनल नंबर होंगे जो टर्मिनेटिंग होंगे, यानी जिनमें भाग है वो पूरा पूरा जाएगा। अगर आप किसी भी संख्या को कोई अंक से विभाजित करते हो तो वो भाग पूरा पूरा जाएगा, तो वो टर्मिनेटिंग यानी ये शांत हो गया है। तो 25 में 4 का भाग दोगे तो 6.25 इसका आंसर आएगा, यानी ये भाग पूरा पूरा चला गया है पॉइंट के बाद। तो पॉइंट के बाद भाग पूरा पूरा चला जा रहा है, चाहे पॉइंट के बाद दो अंक आए, तीन आए, चार आए, पांच आए, वो संख्या पूरी पूरी विभाजित हो रही है, तो वो उन संख्या को अपन प्रीमियस संख्या बोलेंगे। जैसे आप 25 को 4 से डिवाइड कर रहे हो, आप 25 को 2 से डिवाइड कर रहे हो, तो इन संख्याओं को अपन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। 25 को आप 8 से डिवाइड कर रहे हो तो ये टर्मिनेटिंग होंगी, क्योंकि इनमें भाग है वो पॉइंट के बाद पूरा पूरा जाएगा। अब अगर जो संख्याएं पॉइंट के बाद पूरा पूरा भाग नहीं जाता है तो उनको अपन क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग के साथ ये कंडीशन होनी चाहिए, रिपीटिंग, यानी कोई भी एक अंक, दो अंक या तीन अंक रिपीट वाली कंडीशन में चल रहे हैं तो उनको अपने प्रीमिय संख्याएं या रेशनल नंबर बोलेंगे। जैसे आप 10 को 3 से भाग देते हो तो 3.333 ऐसे आंसर आता जाएगा। अब ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, लेकिन कोई भी अंक की आवर्ती बार बार हो रही है तो ये अशांत हो गई है, क्योंकि शांत नहीं है तो वो संख्या अशांत होगी। लेकिन रिपीट यानी आवर्ती हो रही है, तो जो संख्याएं अशांत आवर्ती हो रही है उनमें, तो उनको भी अपने प्रीमिय संख्याएं बोलेंगे। अब प्रीमिय संख्याओं के बाद आता है अप्रीमिय संख्याएं, इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर्स में आपको क्या ध्यान रखना है कि नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिपीटिंग कंडीशन आ गई, यानी नॉन टर्मिनेटिंग के साथ अगर रिपीटिंग की कंडीशन आती है तो उनको रेशनल नंबर बोला जाता है, और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ नॉन रिपीटिंग आता है यानी अशांत होने के साथ साथ आवर्ती भी नहीं हो रही है कोई अंक की, तो वो संख्याएं अप्रीमिय संख्याएं होगी। जैसे 4.27392 इस तरह अगर कोई चल रहा है तो वो अशांत के साथ साथ आवर्ती भी नहीं हो रही है, तो ये अशांत अनावर्ती टाइप की संख्या है, तो ये भी अप्रीमिय संख्या इरेशनल नंबर्स है। इसके साथ साथ पाई है वो इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि इसका मान है वो पॉइंट के बाद है, आगे चलता जाएगा, इसमें कोई रिपीटिंग नहीं हो रहा है। रूट दो है 1.414, इसके बाद आगे डिवाइड चलता जाएगा। रूट थ्री है 1.732, इसके बाद आगे भी डिवाइड चलता जाएगा, तो इसमें कोई अंक की आवर्ती नहीं होगी, ये अशांत अनावर्ती टाइप की होगी। रूट फाइव, रूट सेवन, रूट एट, आगे रूट टेन, तो जिस संख्याओं का पूरा पूरा रूट में मान आप अगर निकाल रहे हो तो उनका रूट पूरा पूरा नहीं निकलेगा, तो वो संख्याएं इरेशनल नंबर अप्रीमिय संख्याएं होगी, जो कि आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। रूट टू को, रूट थ्री को, रूट फाइव को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। अब उसके बाद आता है रियल नंबर। तो वास्तविक संख्याएं कौन सी होती है कि आपने अभी पढ़ी रेशनल और जो इरेशनल सारी संख्याएं, तो रेशनल नंबर के अंदर पीछे वाली सारी संख्याएं आ जाती है, क्योंकि रेशनल नंबर को आप जैसे 0.4 लिखते हो तो ये जीरो है। अब अगर रेशनल नंबर में आप 4.1 लिखा, 4 था, तो 4 ये नेचुरल नंबर है, 4 ये इवन नंबर है, 4 ये होल नंबर है। तो अगर आप किसी भी संख्या को 1 से डिवाइड कर देते हो तो वो अंक प्रीमिय संख्याओं के रूप में आ गया, ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में आ गया है। तो जो संख्याएं रेशनल प्लस इरेशनल, प्रीमिय और अप्रीमिय संख्याएं मिल करके
रियल नंबर बना देती है, क्योंकि अप्रिमेय संख्याओं में ये सारी संख्याएं आती है और प्रिमेय संख्याओं में पीछे वाली सारी संख्याएं आ जाती है जो कि अपन ने पढ़ा है, नेचुरल नंबर है, इवन नंबर है, ऑड नंबर है, कंपोजिट नंबर है, ये पीछे वाली सारी संख्याएं वो प्रिमेय संख्याओं में आ जाती है। तो इन दोनों से मिलकर वो रियल नंबर बनता है। तो रियल नंबर के अंदर प्रिमेय प्लस अप्रिमेय संख्याएं दोनों शामिल है। अब है इमेजिनरी नंबर, ये 11th क्लास में आप स्टडी करोगे, तो जो संख्याएं वास्तविक नहीं है वो काल्पनिक है। तो काल्पनिक संख्याओं में क्या होता है, जैसे आप अनरूट 25 का अगर निकालते हैं तो 5 आता, लेकिन आप अगर -25 का अनरूट निकाल रहे हो तो वो 5 है और ये आयोटा यानी आई जो लिखा हुआ है इसको आगे इमेजिनरी नंबर जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे 11th क्लास में तो उसमें इसको आयोटा बोलेंगे अपन, और इस आयोटा की जो वैल्यू होती है वो अनरूट में -1 होती है। तो ये नंबर सिस्टम का अपन ने अध्ययन किया थोड़ा इनके बारे में, ताकि आपको आगे एक्सरसाइज के अंदर कहीं भी रेशनल नंबर इरेशनल नंबर का यूज करना पड़े, आगे एक्सरसाइज नंबर 18 के अंदर आपको प्राइम नंबर इवन नंबर ओड नंबर भी आपको ध्यान होने चाहिए, तभी आप जो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं उनको कर पाओगे।